और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा बजट का सूत्र दूसरा दिन है। सदन में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। रितु खंडूरी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगी। नेता प्रतिपक्ष भी देंगे अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और सदन में जबरदस्त हंगामा देखा गया था और उसी कड़ी में आज भी आसार लगाए जा रहे हैं कि सदन में दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखा जाएगा। आपको बता दें कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और रितु खंडूरी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी देने वाली है। तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को कांग्रेस घेर सकती है। कल भी हंगामा देखा गया था और उसी कड़ी में सदन में आज जो दूसरा दिन है उसमें भी जबरदस्त हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे, साथ ही साथ रितु खंडूरी भी आज अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने वाली है। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पहला दिन था हंगामा देखा गया, ऐसे में आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेर सकती है कांग्रेस, साथ ही साथ शांतिपूर्वक सत्र चलाया जाए इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई? बिल्कुल अर्चा, देखिए आज सदन का दूसरा दिन है। पहले शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करेंगी विधानसभा अध्यक्ष। तकरीबन 45 मिनट का उनका ये धन्यवाद अभिभाषण रहेगा क्योंकि उसमें पूरे अभिभाषण को विधानसभा अध्यक्ष को पढ़ना है। लेकिन जो कांग्रेस की अगर रणनीति की बात करें तो कांग्रेस के वो कल वाले ही मुद्दे ही आज भी पूरी तरह से सदन के अंदर गूंजने वाले हैं। कल जो कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी कल हुई थी उसमें भी कई बिंदुओं की रणनीति बनाई गई है। एक बात ये है कि आज कुछ विधेयक भी सदन पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो नकल विरोधी कानून है, उसका विधेयक आज सदन पटल पर रखा जाएगा। उस पर चर्चा की कल के बाद उस पर चर्चा की जानी है। ऐसे ही चार से तकरीबन पाँच विधेयक आज सदन पटल पर रखे जाने हैं जिनको चर्चा के लिए आगे रखा जाएगा इसके। लेकिन यहाँ अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से कल अभिभाषण के दौरान हंगामा करती नजर आई थी तो वही रणनीति आज कांग्रेस की है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के हैं क्योंकि विधायकों के सवाल भी इसमें लगाए हुए हैं। पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज और उसके अलावा समाज कल्याण विभाग के आज सवाल इसमें लगे हुए हैं, जिनमें विपक्ष और सत्ता के सवाल भी हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस के बिंदुओं की बात करें तो महंगाई का बिंदु कांग्रेस के पास है। इसके साथ साथ ही दूसरा जिस तरह से अंकिता भंडारी मामला हुआ था उस पर जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग हो रही है वो मुद्दा कांग्रेस के पास है। उसके अलावा बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुई थी ये मुद्दा कांग्रेस के पास है। ऐसे कई सारे मुद्दे कांग्रेस ने पहले ही तैयार करके रखे हैं। कल भी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन सभी मुद्दों पर आज कांग्रेस फिर से भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कल दो बड़ी महत्वपूर्ण बात रही थी, एक तो अभिभाषण के दौरान कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर हंगामा करता रहा। खुद राज्यपाल ने यह कहा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें कांग्रेस शांतिपूर्वक सुने, लेकिन कांग्रेस अपने बातों को लेकर लगातार अपने जो बिंदु थे उन पर लगातार आंदोलन करते रही। आज भी ये देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है। 11 बजे सदन की कार्यवाही हर साल शुरू की जाएगी। पहला जो दौर रहेगा वो धन्यवाद प्रस्ताव का रहेगा, उसके बाद सदन पटल पर कुछ विधेयक रखे जाने हैं उन पर चर्चा की जानी है। और आज कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाकर आता है, क्या क्या बिंदु लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि विधानसभा परिसर के आसपास सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जो आंदोलन करने आ रहे हैं लोग उनको नीचे ही रोका जा रहा है। जिस तरह से कल एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस का हुआ था उन लोगों को नीचे ही देवली खाल और जो जंगल चट्टी है वहां भी रोक दिया, वहीं पर रोक दिया गया था। इसलिए आज भी कुछ लोग आंदोलन करने आएंगे तो उनको भी वहीं पर रोकने की रणनीति पहले ही प्रशासन ने बना लिया। जी बिल्कुल पंकज, तो देखना होगा कि आज भी कितना हंगामा कांग्रेस पूरे विधानसभा सत्र में करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।